वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल वेलकम टू गुरुकुल एंड टूंगा आशा करूंगी आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे स्पष्ट होंगे और आज के सेशन की के शुरुआत करते हैं एक बार जल्दी से बताएंगे भाई सबको ऑडियो वीडियो प्रॉपर्ली क्लियर आ रही है सब सबको सुनाई दे रहा दिखाई दे रहा है तो आज के टॉपिक को करते हैं स्टार्ट जिसका नाम है मानव का प्रजनन तंत्र यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी तक ने काफी सारे अलग-अलग ऑर्गन -अलग सिस्टम्स को समझा बॉडी के अंदर पाचन से लेकर श्वसन दिल का धड़कना जिसमें ब्लड आपका पूरा सर्कुलेट हो रहा है हड्डियों का ढांचा कैसा है और आपका ब्रेन किस प्रकार से काम कर रहा है ब्रेन अलग काम कर रहा है किडनी अलग काम कर रही है मतलब ये सभी अलग अलग ऑर्गन अपने इंटरनली बॉडी के अंदर एक कार्य को संभाल रहे हैं और अपना एक अंग प्रणाली एक ऑर्गन सिस्टम को यहाँ पर बना रहे हैं अब उन्हीं ऑर्गन सिस्टम में से एक अंग प्रणाली एक ऑर्गन सिस्टम आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देखा जाता है जहाँ किस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी आपके जो ऑफ uh, स्प्रिंग है उनकी फॉर्मेशन होती है सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है नमस्कार जी गुड मॉर्निंग राम राम सभी आ गए हैं बट अब बायोलॉजी पूरी मैं आप लोग को यहाँ पर कवर कराऊंगी केमिस्ट्री फिजिक्स आपके पुष्पेंद्र सर करा रहे हैं तो आप लोग उनकी क्लास जरूर से करिए बहुत ही शानदार तरीके से आपको सर करा रहे हैं तो आप लोग अपने पूरे साइंस को हमारे साथ जुड़ करके कवर कर सकते हैं लेकिन जब बात बायोलॉजी की आएगी तो आपकी रोज सुबह ग्यारह बजे क्लास चल रही है टाइम से अपने सेशन में जुड़ जाना है क्लियर है चलो पहले जरा कुछ अपवाद को यहां से हटा दिया जाए अपवाद आने बहुत जरूरी है ठीक है सब कुछ ऑडियो वीडियो क्लियर है चलो अब जानते ही हो अपवाद जितने भी होते हैं उनको हटाना बहुत जरूरी होता है अपवाद बहुत ज्यादा वायरस बन के दिक्कत करते हैं आपके सेशन के अंदर खेल चलिए शुरू करते हैं और स्टार्टिंग करते हैं हमारे आज के टॉपिक की जिसका नाम है मानव का प्रजनन जितने भी अलग अलग ऑर्गन्स हैं वह अपना रोल यहाँ पर निभा रहे हैं हॉर्मोन्स के साथ हम अगर बात करें आपके हर पर्टिकुलर बॉडी के अंदर जो भी अंग काम कर रहा है उसके साथ कोई ना कोई एक हॉर्मोन नियंत्रित है और हार्मोन अपने कार्य को यहाँ पर करवा रहा है ऐसे ही अगर हम इस टॉपिक की बात करते हैं आखिर क्या है रिप्रोडक्शन इस वर्ड से हम क्या समझते हैं रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन देखो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ जानवर कुछ जीव ऐसे भी हैं जो अंडे देते हुए नजर आते हैं और कुछ जीवों के द्वारा आप क्या देखते हैं कि पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाता है तो ये 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 जो जो प्रोसेस है ये जो प्रक्रिया है प्रक्रिया बेसिकली किसी भी अपने नए अपनी फर्दर जनरेशन को बढ़ाने की या जो भी ऑफस्प्रिंग पैदा हो रहा है उस प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन का नाम यहाँ पर देते हैं ठीक है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ बेसिक से बढ़ते हुए चलेंगे नोट्स जो बना रहे हैं वो बना सकते हैं साथ में प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू एन ऑप्शन अब यहां मैं बर्थ लिखूं क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म तो बर्थ बेसिकली जन्म नहीं देता कुछ अंडे भी बना रहे होते हैं इसीलिए कभी भी यहाँ पर बर्थ बर्थ, बर्थ लिखिए जब आप ओवरऑल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं आप यहाँ पर मेंशन करेंगे फॉर्मेशन ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ठीक यह एक नई पीढ़ी को मनाने की क्रिया कही जाती है इसी के साथ दो मुख्य प्रकार आते हैं जैसे कि हम अमीबा की बात करें देखो हर जीव जो है वो अलग अलग तरीके से प्रजनन तंत्र का इस्तेमाल कर रहा है और अलग अलग तरीके से यहाँ पर आपके जो पीढ़ी दर पीढ़ी है उनको बनाने में सक्षम है हम अगर यहाँ रिप्रोडक्शन की बात करें तो मुख्य दो प्रकार आते हैं आपके जिसमें सबसे पहला भाग होता है जिसे कहा जाता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यानी कि हिंदी में बात करें तो इसको कहा जाता है अलैंगिक जनन और दूसरा भाग आता है जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जन मुख्य इन दोनों के बीच में जो फर्क है वो क्या नजर आएगा कि अगर हम किसी भी तरीके से प्रजनन की बात कर रहे हैं आपने कहा मैम पाचन हो रहा है बॉडी तो पाचन के लिए कुछ अंग काम कर रहे थे यानी कि आपका आमाशय है अग्नाशय है ऐसे यहाँ पर जब हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई बॉडी का ऑर्गन होगा जो कि यहाँ पर काम कर रहा होगा तो इसी प्रकार से अगर हम बॉडी के ऑर्गन्स की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ आपके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो कि कार्य करते हैं मेल्स में अलग फीमेल्स में अलग और मिलकर के वो इस प्रक्रिया को यहाँ पर पूरा करने में सक्षम होते हैं अब ए सेक्शुअल और सेक्सुअल का एक बेसिक डिफरेंस यहाँ पर क्या होता है कि भाई देखो जहां पर वॉइस में कोई समस्या लग रही है किसी को ये बताओ आवाज में तो कोई प्रॉब्लम गुड मॉर्निंग सबको मैम कोर्स सब, को। सब कंप्लीट हो जाएगा पढ़ाना छोड़ देते हैं पहले यही डिस्कस कर लेते हैं।, सब जाएगा। भाई हैं अपने सब भाई बंधुओं तक जल्दी जल्दी से फटाफट आवाज किसी कोई समस्या बता दो पहले यही डिस्कशन कर लेते हैं चलिए आपने कहा एक स्ट्रक्चर है मैडम मेरे पास अमीबा अमीबा की ना तो कोई शेप है ना तो कोई शेप है ना कोई आकार है इसके बाद बीचो बीच में क्या उपस्थित है एक न्यूक्लियस है और सराउंडिंग में यहाँ इतना साइटोप्लास्म जो है वो बैठा हुआ है ठीक है इसकी पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे बनती है यहाँ पर यही एक सिंगल सेल है जैसे हम कह रहे हैं अमीबा ये एक यूनिसेल्यूलर जीव आपको दिखाई दे रही है यानी कि एकल कोशिकीय देखो इसके पास कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं होता कोई गैमिट नहीं होता कोई स्पर्म ओवम नहीं होते इसकी खुद की जो सेल है यही क्या होगी दो डिवाइड हो जाएगी मतलब मैं कहूं इसी ने एक और एक दो तो, डॉटर सेल्स में विभाजन कर लिया ये कैसे हुआ इस प्रक्रिया को कहते हैं बाइनरी फिजन या द्विविखंडन बाइनरी फिजन या तो आप एक चीज तो समझ रहे एक सेल से अगर मेरी दो सेल्स इस प्रकार से बन रही हैं जहां पर ठीक है यानी कि कोई भी यहाँ पर लैंगिक अंग नहीं होता है और किसी भी प्रकार का कोई गैमीट यहाँ पर नहीं बनता मतलब कोई युग्मक नहीं बनता है जब कोई ऑर्गन ही नहीं है तो युग्मक कहाँ से बनेगा तो ये आप लिख सकते हो कि यहाँ पर युग्मक जो है वो भी अनुपस्थित होते हैं ऐसे जनन को कहा जाता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो ये जो कैटेगरी हमने बात करी ये पहली वाली कहलाएगी ए सेक्शुअल यानी कि अलैंगिक जनन जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक सेल से हमने दो सेल्स से तैयार तो कर दी हैं लेकिन इन्हीं दोनों सेल्स सेल में कोई सेक्स ऑर्गन और कोई गैमेट यहाँ पर दिखाई नहीं देगा लगभग हू सेम टू तो सेम जैसे हमने ये पेरेंट सेल लिया था वैसे ही डॉटर सेल बनकर हमारी क्या हो जाती है तैयार हो जाती है क्या ये बात क्लियर uh, है प्लांट में होता है बिल्कुल भाई प्लांट में भी होता है ऑडियो में कोई समस्या नहीं है यार तुम लोग पढ़ने पर ध्यान नहीं देते हो तो मैं करनी होती है फालतू की बातें और जो फालतू की बात करेगा वो खाम खा क्लास से ब्लॉक लॉक हो जाएगा फिर कहोगे कि मैडम अब ये क्या हो गया हम पढ़ भी नहीं पा रहे तो इसीलिए ध्यान जरा वहां दे लो जहां आपकी काम की चीजें चल रही हैं ठीक है तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आप समझे कि दो चीजें हमने देखी लेकिन इसी के अलावा जो दूसरी कैटेगरी आती है जैसे हम बात करते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन यहां पर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों उपस्थित होते हैं तो आप लिख सकते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट एंड गैमीट फॉर्मेशन अकर व मादा के लैंगिक अंग व युग्मक उपस्थित होते हैं भाई मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स भी हैं और जब ऑर्गन है तो वहां से गैमीट बनेगा ग्यामीट कौन सा बनता है जहां हम मेल्स के अंदर यानी कि पुरुष के अंदर बात करते हैं शुक्राणु की स्पर्म के बारे में और फीमेल के अंदर जो एग सेल बनकर तैयार होती है जिसे हम ओवम भी कहते हैं या डिंब कहा जाता है ठीक है तो ये मुख्य प्रकार से दो युग्मक जो हैं जो गैमीट कहे जाते हैं जो मुख्य तौर से मदद करते हैं इस पूरे रिप्रोडक्शन में ये यहाँ पर उपस्थित होते हैं क्या ये बात सभी को क्लियर है भाई तो ये दो प्रकार के क्या बने हैं दो प्रकार के गैमीट बने हैं इन्हीं को कहा जाता है युग्मक इनके फ्यूजन से जो जाइगोट है वो बनके तैयार हो जाता है तो दो प्रकार के हमने देखे कि या तो आपका सेक्सुअल होगा या एसेक्सुअल होगा इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ देखो हर व्यक्ति जो है अगर प्रजनन करने में सक्षम है तो जरूरी नहीं है कि वो बच्चे को जन्म दे जो बच्चों को जन्म देते हैं उनको उन प्राणियों को उन जीवों को कहा जाता है विवि पैरस यानी कि जरायुज प्राणी लेकिन जो पक्षी हैं या कुछ ऐसे अन्य जीव हैं जो अंडे देते हुए नजर आते हैं उन्हें हम नाम देते हैं अंडज प्राणी या अंडज जीव उनको ओवी पैरस कहा जाता है कई पक्षियां हैं ऐसे जो कि क्या करते हैं अंडे देते हुए नजर आते हैं तो एक कैटेगरी इसकी हम और लिखेंगे जिसमें पहला भाग आता है विवी पैरस या फिर ओवी पैरस ठीक है इसे कहते हैं जरायुज प्राणी या अंडज दे गिव बर्थ यहां आप लिख सकते हैं कि भैया ये क्या करते हैं जन्म देते हैं टू एन ऑफस्प्रिंग बहुत सारे स्तनधारी ऐसे होते हैं ये है अपने बच्चे को जन्म देते हैं और यहां आप लिख सकते हैं दे ले एक्स ये अंडे देते हुए नजर आते हैं ठीक है इसका उदाहरण लिखेंगे कुछ पक्षी यहां पर आएंगे कुछ सरी सरप होंगे और यहां आते हैं आपके मैमल्स संधारी। अब संधारियों में मानव भी आता है और मानव के साथ जो अन्य आपके मैमल्स हैं जैसे हाथी है हाथी का बच्चा प्रॉपर तैयार होता है जन्म देता है उसको तो ये नहीं कह सकते हाथी के अंडे जो है वो फॉर्म हो रहे हैं तो वहां पर उन्हें हम विस के अंदर रखते हैं और जो अंडे देते हैं उन्हें ओवी पैरस के अंदर रखा जाता है क्या ये बात क्लियर है भाई क्या ये बात सभी को क्लियर है मैम क्या पीडीएफ भी मिलता है स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेगा पीडीएफ आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा कल की भी क्लास का पीडीएफ अपलोड हो चुका है जो परेशान थे जो समस्या ले रहे थे और सभी को आवाज प्रॉपरली आ रही है ये डाउट क्लियर है अब बात ये आती है कि जो हम लैंगिक अंगों की बात कर रहे हैं वो अंग कुछ महिलाओं के अंदर और कुछ पुरुषों के अंदर अलग अलग दिखाई देते हैं लेकिन कुछ महिला और पुरुष ऐसे होते हैं जिनकी एक ही बॉडी में मेल ऑर्गन भी है और फीमेल ऑर्गन भी है तो वहां कैटेगरी एक और बन जाती है जिन्हें कहते हैं यूनिसेक्सुअल या बाई ठीक है, डेली सुबह ग्यारह बजे क्लास होती है इनमें अंतर जो पूछ रहे हैं बेटा ये जन्म देते हैं और ये अंडे देते हैं ठीक है ये बच्चों को जन्म देते हैं और ये सिर्फ अंडे देते हैं उन अंडों को फोड़ करके उनका जो ऑफस्प्रिंग है वो बाहर निकलता है क्लियर अगली कैटेगरी क्या बन जाती है कि या तो वो यूनिसेक्सुअल होंगे एक लिंगी जिन्हें कहा जाता है अब एक लिंगी मतलब आइदर मेल और फीमेल समझना बात को या तो महिला या फिर पुरुष दोनों में से कोई भी एक ऑर्गन यहां पर इनकी बॉडी में उपस्थित होगा मेल के लिए हम एक सिंबल बनाते हैं उस सिंबल को ऐसे दर्शाया जाता है ये एरो लगा देते हैं तो इसको हम मेल का सिंबल कहते हैं और अगर इस प्रकार का बना हो तो आप लिख सकते हो कि ये क्या है ये फीमेल के लिए यूज करते हैं ठीक है तो ये मेल है या फीमेल है या तो मेल होगा या फीमेल होगी उन्हें हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल भैया है, एक ही लिंग इनके शरीर के अंदर इनके बॉडी के अंदर उपस्थित है अब अगर मैं बात करूं कि ये दोनों ही चीजें एक सिंपल सा उदाहरण ले लो केंचुए का अगर मैं केंचुए की बात कर रही हूँ आप सबने केंचुआ देखा होगा बॉडी खंडित होती है बॉडी के ऊपर बहुत सारे सेगमेंट होते हैं इसके शरीर में मेल ऑर्गन भी है फीमेल ऑर्गन भी है मतलब नर और मादा दोनों ही इसके एक सिंगल बॉडी में उपस्थित होता है इसको हम क्या बाई सेक्शुअल बाई सेक्शुअल नाम में भी आपको दिख रहा है बाई मतलब दो दो सेक्स ऑर्गन जिसके पास हो यानी कि द्विलिंगी जिसको कहा जाता है बोथ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट कोई डाउट यहां तक भाई समझ में आ रही है चीजें यानी कि आप लिख सकते हैं दोनों मादा नर उपस्थित मतलब दोनों के अंग जो है वो बेसिकली उपस्थित है इनको एक नाम और देते हैं इन्हीं को लिख देते हैं हर्मा फ्रोडाइट हर्मा फ्रोडाइट नाम याद रखना इसका उदाहरण लिख लेंगे अर्थवॉम का अर्थवॉम के चुआ इसको कहा जाता है अब आप बोलोगे मैम आपने मेल का सिंबल अलग बताया फीमेल का अलग बताया इस हर्माफ्रोडाइट का इस हर्माफ्रोडाइट का सिंबल क्या बनेगा जब इनके पास दोनों ऑर्गन है भाई या तो ये है या ये है तो कहानी अलग हो गई बिल्कुल अलग हो गई यहां पर जो हम सिंबल बनाते हैं उस सिंबल को लिखते हैं कुछ इस प्रकार से ये फीमेल है और यही हमने मेल बना दिया तो ये कहलाता है आपका बाई ऐसा सिंबल मिल जाए तो समझ जाना हम किसकी बात कर रहे हैं द्विलिंगी जीवों की बात कर रहे हैं केचुआ हो गया या कोई अन्य जीव हो गए तो यूनी और बाइसेक्शुअल में फर्क समझ में आया कि नहीं आया हाँ भाई फटाफट से बताओ एक बार चलो भैया तुम भी खुश रहो और खुशी से बाकी सबको भी जीने दो ठीक है आई होप यहां तक की चीजें क्लियर हो गई सबको चल ये गैमेट्स ऑर्गन से बन रहे हैं जो नर और मादा के अंग हैं वहीं से बनते हुए आपको नजर आते हैं ठीक तो हमने तीन कैटेगरी पढ़ी कि या तो वो अंडे दे रहे होंगे तो तो पैरस पैरस होंगे 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 जन्म दे रहे तो वी दोनों में से कोई एक होगा आइदर मेल या फीमेल है। तो आप कहते हैं उन्हें यूनिसेक्सुअल और दोनों एक ही बॉडी में है तो बाई कहा जाता है अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन के दो भागों की तो या तो सेक्सुअल है या फिर एसेक्सुअल है आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा लेकिन अब जब हम बात करते हैं मुख्य तौर पे आपके इस पूरे ह्यूमन uh, रिप्रोडक्शन की ये कम से कम सात से आठ स्टेजेस में हम इसको पढ़ेंगे कंप्लीट करेंगे कि आखिर कौन कौन से चरण यहाँ पे होते हैं और कैसे एक बच्चे का जन्म होता है कैसे उसकी डिलीवरी होती है देखो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है

अन्य जितनी भी क्लासेस है करिए आपके लिए पूरी टीम प्रॉपर कंटेंट आप लोगों को देने के लिए तैयार है आप लोगों की जितनी भर्तियां हैं सब आ चुकी हैं रेलवे की इंतजार है रेलवे भी भी तुम्हें नजर आ जाएगा लेकिन तुम में से कुछ ऐसे हैं तो सिर्फ इस चीज के लिए बैठे हैं कि नहीं पढ़ना तो हमें है ही नहीं हमें सिर्फ टाइम पास करना है बाबा आपके पैसे खराब करने यार यही करने हैं तो कहीं और जाकर के कर लो क्यों बाकी के स्टूडेंट्स को दिक्कत करते हो ठीक है चलो तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर इसके जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं सबसे पहला स्टेज आता है जिसे कहते हैं देखिए गेमीटोजेसिसमीटोजेनेसिस गेमीटो मतलब कहीं पर भी पूरी बायोलॉजी में तुम्हें एक वर्ड दिख जाए जिसको हम कहते हैं जेनेसिस जेनेसिस मतलब होता है निर्माण कर रहे हैं कोई भी चीज बना रहे हैं ठीक कही है कहीं वर्ड आ जाता है लाइसिस लाइसिस मतलब हम कुछ भी चीज तोड़ रहे हैं किसी भी चीज का टूटना ब्रेकडाउन हो रहा है अब जेनेसिस में हम क्या समझे गैमीट्स का बनना ग्यामीट क्या है युग्मक है और युग्मक होगी क्या मतलब मुख्य तौर पे वो अंग जो कि मिलकर के एग्जाइगोट को बनाने में मदद करते हैं गैमिटोजेसिस मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं युग्मक जनन और ये युग्मक जनन जो होता है आप लिख सकते हैं इट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स यह है युग्मक के निर्माण की क्रिया है ठीक है जिसमें मेल के अंदर जो युग्मक बनता है उसको हम शुक्राणु के नाम से जानते हैं और महिलाओं में फीमेल्स के अंदर ओवम के नाम से जाना जाता है ठीक है इसको कहते हैं शुक्राणु और इसको कहा जाता है ये दो जो बने हैं इनको कहा जाता है आपके गैमेट्स अब क्योंकि ये अलग अलग भी हम बात कर रहे हैं कि भैया स्पर्म बन रहा है तो इसको क्या प्रोसेस का नाम दोगे पूरे जो शुक्राणु का जनन होता है इसको इंडिविजुअली नाम दिया जाता है अब आप नाम से रिलेट कर सकते हैं कि शु, शु, शुक्राणु जनन जेनेसिस मतलब किसी भी चीज का निर्माण हो रहा है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं शुक्राणु जनन और यही अगर तुमसे कहा जाए इसको क्या कहते हैं ओवम बन रहा है तो इस प्रक्रिया को ऊ जेनेसिस नाम दिया जाता है यानी कि जनन तो ये दो प्रक्रियाएं हैं जो कि गैमेटोजेनेसिस के अंदर आपको नजर आती हैं क्या ये बात क्लियर है मैम बायो आती है क्या सी एच एस एल में दिव्यांशु बिल्कुल आती है बायो भाई और बहुत बढ़िया लेवल की आती है तो करिए आपके हर एग्जाम में खास तौर पे साइंस में जब बायोलॉजी की बात आती है तो भैया सवाल जरूर देखने को मिलते हैं और आजकल तो ट्रेंडिंग में है प्लांट एनिमल किंगडम सेल तो कुछ चैप्टर्स जो ट्रेंडिंग में है तुम्हें तो पढ़ने ही है तुम काहे इतनी टेंशन लेते हो ठीक है पहले भी आपको बताया हुआ है आप लोगों का जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो फेब्रवरी स्टार्टिंग तक पूरा हो जाएगा लेकिन आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर रहेगा डिटेल में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं साइंस स्पेशल बैच उनका एप्लीकेशन पर भी चल रहा है आप लोग वहां से भी कनेक्ट कर सकते हो यूट्यूब पर डेली ये क्लास जो रहेगी वो आपकी सुबह ग्यारह बजे रहती है कोई समस्या नहीं है चलिए तो इसे कहा जाता है आपका गैमीट्स का फॉर्मेशन दो गैमीट्स बनते हैं जिनको हम स्पर्म और ओवम के नाम से यहाँ पर जानते हैं क्लियर इसी प्रकार से अगर हम बात करें अगला स्टेप बेसिकली ये जो दोनों आप लोगों के गैमीट्स की फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलती है ये अलग अलग तरीके से एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है यानी कि नर प्रजनन प्रणाली जिसको कहा जाता है यहाँ पर जो मुख्य ऑर्गन होता है मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन तो हो रही है स्पर्म को बनाने के लिए सबसे पहले सबसे पहले जो प्राइमरी प्राथमिक अंग कहा जाता है प्राथमिक अंग कहा जाता है उसको हम टेस्टस के नाम से जानते हैं वृषण के नाम से यहाँ पर इसको हम जानते हैं यहां पर क्या होता है स्पर्म की फॉर्मेशन होती है ध्यान से समझना भाई यहाँ पर शुक्राणु जो है इनका निर्माण दिखाई देता है शुक्राणु का जनन होता है फॉर्मेशन होती है यहां इनके फॉर्मेशन के बाद ये पहुंचते हैं एपिडिडाइमिस वाले हिस्से में यानी कि हम बात करें कि कुछ समय के लिए स्टोर होकर के रहते हैं कुछ समय के लिए ये इकट्ठे होकर के रहते हैं उस हिस्से को हम का हिस्सा कहते हैं यहां से ये पहुंचते हैं वास डेफरेंस में वास डेफरेंस वो नलिका है जो स्पर्म्स को कैरी करती है जो शुक्राणुओं को लेकर के जाती है तो इस नलिका को जब आप बात करते हैं नजबंदी करवा दी नजबंदी जैसे हम कहते हैं यहाँ पर वैसिक उस टाइम पर भी ये जो नलिका आप देख पा रहे हो ये वाली नलिका को बीच में से कट कर दिया जाता है और इसको बांध दिया जाता है ताकि स्पर्म्स आगे तक ना पहुंच पाए और फर्टिलाइजेशन की क्रिया जैसे हम निषेचन कहते हैं ये यहां पर कंप्लीट ना हो पाए क्या ये बात क्लियर है तो वास डेफरेंस जो है ये यहाँ पर मुख्य तौर पे नलिका है जो कि शुक्राणुओं को ले जाने का काम करती है इसके बाद जैकुलेटरी डक्ट और यूरेथरा के रास्ते जो स्वर्म्स हैं वो बॉडी से बाहर की तरफ इजैक्युलेट हो जाते हैं तो ये आपका जो मुख्य अंग है ये पूछा जा सकता है यहाँ से शुक्राणु की फॉर्मेशन हो रही है याद रखिएगा इसका टेम्परेचर दो से तीन डिग्री अगर हम बात करें तो भैया बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए ये एक लोअर बॉडी टेम्परेचर पे इजिली वर्क करते हुए नजर आते हैं ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद अगर हम बात करें महिलाओं के अंदर यानी कि फीमेल्स के अंदर तो फीमेल में भी कुछ इसी प्रकार से दो ओवरीज उपस्थित होती हैं जहां एग की फॉर्मेशन होती है जो कहते हैं ना मेन ऑर्गन है डिम्ब है ओवम है वो कहां से बन रहा होगा ये वाला हिस्सा है जिसको हम क्या नाम देते हैं ओवरी नाम देते हैं अंडाशा इसको कहा जाता है ये ओवरी एक इस तरफ एक इस तरफ इन दोनों से एक ओवम की फॉर्मेशन होगी ये वाला जो भाग आप देख रहे हो इत, इत, इतना हिस्सा ये हिस्सा जो आप देख रहे हो इसको कहा जाता है डिम्बवाहिनी यानी कि यह हिस्सा जो ओवम बनेगा उसको ले जाने में मदद करती है यहां से ओवम जो भी फॉर्म हुआ उसको आगे तक लेकर के जाने में ये मदद करेगी तक सिर्फ डिम्ब वाहिनी तक क्योंकि वही उस हिस्से में जो स्पर्म है निशेचन के दौरान उनको यहां पर फर्टिलाइज कर देते हैं तो याद रखिएगा याद रखो भैया तुम नहीं मानोगे चलो कोई डाउट यहां तक तो मुझे एक बार जल्दी से बताओ फटाफट से पहले जरा आत्मा को शांति दे दी जाए थोड़ी चलो सबको खुश भैया, रहो, है ना? भटको मत परेशान मत। हो। तो कुछ इस प्रकार से ओवम बनता है दोनों ओवरीज है ओवम बनेगा और ओवम कहां तक जाएगा इस डिम्ब वाहिनी तक जिसको इंग्लिश में फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है इस फेलोपियन ट्यूब के तीन भाग होते हैं यानी कि अगर हम बात करें इस हिस्से का तो इसको नाम दिया जाता है आपका इनफंडीब्यूलम ठीक है ये वाला भाग कहलाता है इस्थमस और एक और हिस्सा होता है जिसे एम्प्यूला कहते हैं इस हिस, इस हिस्से को एम्प्यूला यहां पर कहा जाता है जो प्राथमिक हिस्सा होता है तो एक दो और तीन तीनों हिस्सों से मिलकर के ये जो उंगली जैसा स्ट्रक्चर होता है इसको फिम्ब्री का नाम दे देते हैं ये सारे मिलकर के क्या करते हैं ये हिस्सा ओवम जो भी बनेगा यहाँ से उसको कलेक्ट करने में मदद करता है तो समझ सकते हैं कि जो ओवरी है उसके निर्माण आपका ओवम बनाने के लिए देखा जाता है और यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगी और इसके बाद इस पूरे गर्भाशय के अंदर नौ महीने तक उस बच्चे का क्या कहा जाता है भ्रूण का पूरा गर्भकाल जो है वो देखा जाता है तो इसी प्रकार से इसी प्रकार से जो ओवम है जिसे हम कह रहे हैं कि मुख्य तौर हाँ पर एक गैमीट का काम कर रहा है इसका निर्माण होगा प्राइमरी अंग यहाँ पर क्या होगा आपका अंडाशय या जिसको हम ओवरी का नाम दे रहे हैं जैसे मेलज के अंदर टेस्टिस होता है कहा जाता है ऐसे ही महिलाओं में ओवरी का नाम दिया जाता है कोई समस्या यहां तक चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि ये तो पहला प्रोसेस हो गया भाई जिसको मैंने नाम दिया गोजेस एक ओवम के तैयार हुआ और दूसरा स्पम बन के तैयार हो गया लेकिन इसके बाद जब ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाती है तो याद रखिएगा कि इसके बाद जो नेक्स्ट next... एक चलो कुछ इस प्रकार से ओवरी से जो भी ओवम बनता है सिर्फ वहां तक पहुंचता ये नहीं है कि वो नीचे पूरा गर्भाशय तक आ जाएगा उस हिस्से तक ही क्यों पहुंच रहा है क्योंकि याद रखना वहां पर इस हिस्से में कहीं ना कहीं जो स्पर्म है वो पहुंचेगा और वो क्या कराता है फर्टिलाइजेशन कराता है निशेचन कराता है तो ये चीज पूछ ली जाती है कि निषेचन कहाँ पर किस हिस्से में हो रहा है आप बताएंगे पेलोपियन ट्यूब के अंदर ये जो वाहिनी का हिस्सा है इसी के अंदर क्या हो जाता है निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है करेक्ट है अगला स्टेज क्या आता है मतलब पहला काम हमने देखा इंसेमिनेशन उसका गेमिटोजेनेसिस का अब जब गेमिट्स बन गए तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है जिसे इनसेमिनेशन कहा जाता है मतलब जो भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आपके युग्मक बने हैं उनका ट्रांसफर महिला के प्रजनन पथ तक कर दिया जाता है जिसको हम सीमेन का नाम देते हैं ठीक है इस सीमेन के अंदर बेसिकली स्पर्म जो है वो इंक्लूड होते हैं इसी के साथ साथ कुछ फ्रक्टोज, कुछ प्रोटीन भी वहां पर आपके पाए जाते हैं इस्थमस वाले पार्ट में एम्ब्यूला और इस्थमस वाले पार्ट में चलो तो इसी प्रकार से क्या होगा नेक्स्ट स्टेज होगा सबसे पहले गैमिट्स बने बनने के बाद जो मेल ऑर्गन था वहां से जो गैमिट बना है जिसको हमने मुख्य तौर पे नाम दिया आपका युग्मक का सीमेन सीमेन वो सीमिन कहा जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक ट्रांसफर कर दिया जाएगा जिस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इनसेमिनेशन सीमेन का ट्रांसफर ठीक है सीमेन का ट्रांसफर अब जब सीमेन ट्रांसफर हो गया इसके बाद ये जो आपका स्पर्म है और ओवम इन दोनों का क्या होता है फर्टिलाइजेशन हो जाता है जिस क्रिया को नाम देते हैं बेटा निषेचन ठीक है निषेचन होने के बाद क्या बनता है एक जाइगोट बनकर तैयार हो जाता है और यही जाइगोट जो है ये पूरे नौ महीने तक डेवलप होने के बाद एक कंप्लीट बच्चे के अंदर परिवर्तित होकर के बॉडी से बाहर डिलीवर आउट हो जाता है आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी पहले ये समझ लो फिर आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब टेस्ट्यूबे भी बता देंगे पहले बेसिक क्रिया तो समझ जाओ कि होती क्या है कैसे होती है तो जो नेक्स्ट स्टेज आएगी उसको हम निषेचन का नाम देते हैं तीसरा जो भाग है ठीक है निषेचन मतलब नर और मादा युग्मकों का संलयन याद रखना कि ये जितने भी स्पर्म होते हैं ये हेप्लॉइड होते हैं है, मतलब सिंगल सेल दिखाई देगा आपको एन इसको हम लिख सकते हैं और ओवम भी कैसा होता है एन और जब इनका निषेचन हो जाता है तो ये जाइगोट बन जाता है टूवन अवस्था में इन दोनों को मैं कह रही हूं हेप्लॉइड है और ये जो बना है ये डिप्लॉइड अवस्था का बनके तैयार होता है ये दोनों क्या है है है। कहने का मतलब इनका और विभाजन नहीं हो सकता इस डिप्लॉइड से तब भी मैं बना सकती हूँ लेकिन इसका फर्दर विभाजन आपका नहीं हो सकता तो और डिटेल में इसको समझेंगे यहाँ तक कोई समस्या कि भैया ये हमारा जो जाइगोट है ये बन के तैयार हो गया देखो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेज आती है लेकिन अब को समझना है बिल्कुल बेसिक तरीके से ठीक है चलिए तो निशेचन की क्रिया हुई सबसे पहले बने उसके बाद सीमेन का ट्रांसफर हुआ एंड देन दी थर्ड स्टेज जहां पर ये जायोट का निर्माण हो गया अब मुद्दा क्या आता है कि इस को जो बना है ये किस प्रकार से जा करके पूरा डेवलप होगा और कहा होगा जनरली हम सुनते हैं गर्भाशय के अंदर होता है यूट्रस में नौ महीने का पूरा काल जो है वो दिखाई देता है जैसे काल कहते हैं परंतु वह गर्भ काल जो है वो गर्भाशय के अंदर एक झिल्ली में जाकर के कुछ इस प्रकार से आपको नजर आता है देखो भाई हमने कहा कि क्या हो रहा है यहां पर ये पूरा का पूरा फ्यूजन हो रहा है भाई यहां से जो ओवम था वो बना और बन करके कहा गया यहाँ तक स्पर्म ने यहाँ पर फ्यूज किया जायोट बन गया ये जायोग जो आया वो कहा आया इस हिस्से में और यहाँ आकर के क्या हो गया फ्यूज हो गया गर्भाशय की तीन परत होती हैं इसकी सबसे अंदर सबसे भीतरी परत में जाकर के ये क्या हो जाता है धस जाता है और कुछ इस प्रकार से पूरा का पूरा इसका डेवलपमेंट आपको दिखाई देता है मतलब अगर हम इसका एक्चुअल फोटो यहाँ पर देखेंगे कि दिखता कैसा है तो कुछ इस प्रकार से ये अपने इस जायगोट के अंदर जो भी इसके अंदर उपस्थित होगा वो सब उस लेयर के अंदर ट्रांसफर करता हुआ नजर आता है तो इसको कहते हैं जाइगोट और ये जाकर के क्योंकि एक लेयर में धस गया है तो हम इस प्रक्रिया को कहते हैं इम्प्लांटेशन क्या हो गया ये इम्प्लांट हो गया है क्या ये बात समझ पा रहे हो चलो सोनू गुप्ता अभी अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इसको कहा जाता है इम्प्लांटेशन यानी कि ये जो जाइगोट बना है ये आकर के धस चुका है अब एक बात और समझो ये स्टेजेस कंप्लीटली आपके इस यूट्रस के अंदर इस प्रकार से होती हैं कि डे वन जब हम स्टार्टिंग की बात करते हैं भैया ओवम बना बनकर के यहाँ कहीं आकर के इसका क्या हो गया निशेचन हो गया और निशेचन होने के बाद ये आपका इम्प्लांटेशन की आपके यूट्रस वॉल में आकर के जो भी जायगोट था वो इम्प्लांट हो गया है धस गया है लेकिन यहां से यहां तक आने में उस जायगोट के अंदर होते हैं विभाजन जो हम अचानक से देखते हैं ना कि कुछ डेढ़ दो महीने बाद बच्चे की दिल की धड़कन सुनाई देनी शुरू हो जाती है पांचवें हफ्ते पे उसके धीरे धीरे करके अंग बनते हैं कहीं आंख बनती हुई नजर आएगी फिर बॉडी पे हेयर आने शुरू होंगे धीरे धीरे करके एक एक महीने पर एक एक हफ्ते पर उसके क्या होते हैं अलग अलग ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है लेकिन उन ऑर्गन्स के निर्माण से पहले जो बेसिक एक महीना स्टार्टिंग वाला होता है उस दौरान यहां पूरे इस ड्यूरेशन में क्या हो जाता है इसकी डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है कैसे होती है ये अपन यहाँ पर देख सकते हैं चलो भाई तो आप सब एक चीज जानते हैं कि भैया ये इस प्रकार का भ्रूण हमें दिखाई देता है लेकिन मैंने कहा एक सिंगल सेल था इधर सुनना भाई ये जाइगोट है इसे मैंने कहा फर्टिलाइज्ड एग है दिख रहा है सबको प्रॉपरली एक अकेला न्यूक्लियस है यहाँ पर ये रहा अब इस न्यूक्लियस में विभाजन हुआ ये एक से बढ़कर दो में बदल गया दो सेल हो गए यहां पे, दो से बदला चार में, सोलह चार से बदला, आट में, आट से बदला, में, और से बदला में और यही वाला जो होता है, जिसे हम कह रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट का नाम इसको दे दिया जाता है यही ब्लास्टोसिस्ट जाएगा धस जाता है तो जो चौथा चरण हम पढ़ते हैं इम्प्लांटेशन है, कौन सी अवस्था में कौन सी अवस्था में ये दिखाई दे रहा है इस वाली ब्लास्टोसिस्ट वाली अवस्था में दिखाई दे रहा है मतलब ये पहले चार हफ्ते पहले चार हफ्ते कुछ इस प्रकार से डिवीजन होगा इसके बाद जो फोर्थ वीक का आपको फीटस नजर आता है वो कुछ इस आकार में दिखाई देता है ठीक है कुछ इस आकार में आपको नजर आता है कोई समस्या लग रही है क्या यहां तक ये देखो भाई ये है चार हफ्ते का यानी कि एक महीने का जिसे हम फीटस कहते हैं ये तुम ये कमेंट सेक्शन में कौन सी नई दुनिया चला रहे हो क्यों कैसे परेशान हो रहे हो जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए आपकी या तो देखो ये कह दो कि मैम थ्योरी पढ़नी ही नहीं है बेटा थ्योरी इसीलिए पढ़ाई जाती है ताकि आप लोगों का अगर क्वेश्चन तैयारी भरोसा है अब तक हम जो भी तैयारी करें हैं डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ करें और अगर भरोसा है तो आप इस क्लास को डेली करिए यकीन मानिए आपको यहाँ पर फर्क जो है वो देखने को मिलेगा बाकी आपके ऊपर है अगर आपको लगता है सिर्फ क्वेश्चंस करके आप पेपर निकाल सकते हो तो भैया आप कंप्लीटली फ्री हो जहां से जैसे मर्जी आप उस चीज को यहां पर कर सकते हैं लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि ये इेलिवेंट कॉमेंट्स तुम्हारे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होंगे और उनको ब्लॉक बिल्कुल सीधे सीधे यहां पर कर दिया जाएगा तो यही आप लोगों से कहूंगी कि थोड़ा सा क्लास का डेकोरम मेंटेन करके चले ठीक है चलिए बाकी बेसिक इसीलिए बता रहे हैं कि कल को अगर इनमें से कोई सवाल पूछ ले और आते हैं मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी करवाऊंगी तो आपको तो थ्योरी तो प्रैक्टिस जितनी भी है क्वेश्चन की सब करेंगे थोड़ा थमो समझो चीजों को कॉन्सेप्ट समझ लो पहले ठीक है तो इसी को नाम देते हैं आपका एक महीने का ये वन मंथ का आपको फीटर्स नजर आ रहा है एक महीने का लेकिन धीरे धीरे करके ग्रोथ होती है और ग्रोथ होती है तो चेंजेस भी बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं जब आप पहले महीने के एंड पर देखते हो ना तो बच्चे के अंदर ज्यादा चीजें नहीं नजर आती इसके अंदर केवल एक ये चेहरा सा बन के आ जाएगा इसकी आंखें बन करके आ जाएंगी और आंखों के अलावा ये पूरी जो एक थैली बन जाती है यहां पर इस नलिका के द्वारा इस बच्चे के अंदर जितना भी पोषण है वो पहुंचाया जा रहा है इस नलिका को नाम देते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि गर्भनाल अम्बिलिकल कॉर्ड इसी को कहते हैं गर्भनाल ठीक है और ये जो झिल्ली है बाहर वाली इसको हम प्लेसेंटा का नाम देते हैं जो माता और बच्चे के बीच में कनेक्शन भी बना रही है और पूरी तरह से इसको पोषण प्रदान करने में मदद कर रही है क्या ये बात क्लियर है ये छिपकली नहीं है इंसान का बच्चा है भैया तुम तो मतलब इंसान को छिपकली बना दो चलो खैर कुछ इसी प्रकार से विभाजन होगा इसको हमने कहा चार हफ्ते का है फिर दस हफ्ते पे फिर धीरे धीरे करके इसके सारे अंगों का निर्माण होगा और पूरे दो सौ अस्सी दिनों की यानी कि नौ महीने का जो गर्भकाल है इस दौरान ये पूरा का पूरा बच्चा क्या हो जाता है डेवलप हो जाता है तो इस चरण को कहते हैं गेस्टेशन पीरियड यानी कि गर्भकाल नॉर्मल प्रेग्नेंसी पीरियड से कहा जाता है जिसके अंदर ड्यूरेशन नाइन मंथ लिख सकते हो चालीस हफ्ते लिख सकते हो प्रॉपरली कुछ प्रीमच्योर भी बर्थ हो जाते हैं आठ सवा आठ महीने साढ़े आठ महीने पे कुछ डिले भी होते हैं तो वहां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्लीकेशन जरूर से देखने को मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन क्या परिस्थिति है उसके हिसाब से जो चेंजेस हैं जो कॉम्प्लीकेशन हैं वो भी कहीं ना कहीं देखने को जरूर से मिलते हैं क्लियर है सबको चलो तो इसको लिख लेना ये फिफ्थ पॉइंट आपका कहा जाएगा हाँ हाँ पूरी बायोलॉजी ये बताओ लगभग आपकी बायोलॉजी का पोर्शन तो हम कवर कर चुके हैं आधे से ज्यादा ऑर्गन सिस्टम तो हमने पढ़ लिया भाई तो ये इस प्रकार से सबसे पहले जो ग्रोथ है वो आपको नजर आएगी धीरे धीरे करके देखो डेवलपमेंट देखो होता देखो है पूरे नौ महीने को हमने तीन ट्राइमेस्टर में बांट दिया हमने क्या करा तीन तीन के तिमाही जिसे हम कहते हैं तीन तीन के महीने के सेट को हमने बांटा ये पहली तिमाही है फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तीन महीने का एक सेट को एक ट्राइमेस्टर का ये दूसरा ट्राइमेस्टर है जिसमें अगले तीन महीने आएंगे और फिर ये तीसरा है जिसके अंदर बाकी के तीन महीने दिखाई देंगे तो कुल मिलाकर के नौ महीने कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित नजर आते हैं बच्चे का जो ग्रोथ है वो भी आप देख सकते हो धीरे धीरे करके डेवलप होता हुआ आपको नजर आता है इसके बाद जब फाइनल बच्चा डिलीवरी के लिए तैयार होता है वो कुछ इस प्रकार से नजर आएगा जहां पर ये जो नाल एक नलिका दिख रही है इसी को हम कहते हैं गर्भ नाल और ये बाहर वाली जो झिल्ली है ये पूरा का पूरा पोषण प्रदान करने में मदद कर रही है जिसको हमने प्लेसेंटा का नाम दिया पूछता है कि माँ और बच्चे के बीच में कनेक्शन कौन सी नलिका बना रही है वो ये गर्भकाल होती है जैसे हम गर्भ नाल को कॉर्ड कहते हैं ठीक है और जिस थैली के अंदर ये उपस्थित होता है यहाँ एक लिक्विड भी पाया जाता है जो पूरा का पूरा आपका एमनियोटिक सैक के नाम से जाना जाएगा यानी कि जो तरल पदार्थ है यहाँ पर उसको एमनियोटिक फ्लुड कहा जाएगा और इस थैली को एमनियोटिक सैक के नाम से जाना जाता है दरअसल इसकी तीन झिल्लियां जो होती है ना तो वहां एक अंदर वाली झिल्ली होती है जिसको एमनियोन कहा जाएगा एमनियोन कोरियोन एलेंटॉइज तीन नाम से होते हैं तो एमनियोन वाली झिल्ली सबसे अंदर की होती है और उसी के अंदर ये पूरा डेवलपमेंट हो रहा होता है इसीलिए इस लिक्विड को एमनियोटिक फ्लूड का नाम दिया जाता है उस द्रव्य का नाम यहाँ पर दिया जाता है इसके बाद अगला चरण मतलब हमने देखा नौ महीने का गेस्टेशन पीरियड है उसे प्रेगनेंसी की जगह गेस्टेशन लिख दे आप समझ जाएंगे क्या कह रहा है और इसी के साथ अगला चरण आता है जिसको डिलीवरी पीरियड कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट स्टेज आता है जिसे हम कहते हैं डिलीवरी प्रसव या पार्टचुरेशन देखो शब्दों का खेल है मैं फिर से यही कहूंगी ठीक है शब्दों का खेल है प्रसव एक बच्चे को जन्म देना डिलीवरी इस दौरान हमने एक हार्मोन भी पढ़ा था जिसका नाम था ऑक्सीटोसिन ये काम करेगा किसके अंदर गर्भाशय में संकुचन पैदा हो कॉन्ट्रेक्शन हो जिससे बच्चे की आसानी से डिलीवरी आपकी होते हुए नजर आ जाए जब ये डिलीवरी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो याद रखना ये गर्भनाल जो है ये भी साथ में बाहर आती है ये प्लेसेंटा की झिल्ली है जो कि आपकी बाहर आते हुए नजर आ रही है कम से कम डिलीवरी के दो से तीन मिनट बाद हम इस नलिका को कट कर देते हैं जो बेसिकली इसीलिए कि बच्चे और माँ के बीच में एक ब्लड फ्लो बना हुआ है एक रक्त का जो आदान प्रदान हो रहा है वो तुरंत से ना काट दिया जाए उसके लिए हम दो से तीन मिनट का एक पॉज लेते हैं राइट आफ्टर द डिलीवरी डिलीवरी के तुरंत बाद जीडी के लिए जो क्लास है आपकी वो दोपहर एक बजे आरजी स्टेट एग्जाम्स पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है आप वहां से कनेक्ट कर सकते हो एप्लीकेशन पे पूरा बैच आपका चल रहा है और इसी के साथ ये क्लास आपकी इस समय यहाँ पर चल रही है ठीक है भाई तो ये प्रसव पार्चुरेशन का प्रोसेस है इसी गर्भनाल को हम क्या करते हैं बाद में यहां से कट कर दिया जाता है कितना दो से तीन मिनट बाद ये झिल्ली भी आपकी क्या हो जाती है बाहर की तरफ निकल आती है oh. क्लियर है तो कुछ इस प्रकार से अगला स्टेज जो आएगा उसे हम कहते हैं फाइनल लैक्टेशन पीरियड दुग्धपान वाला यानि कि अब जो डिलीवरी हो चुकी है तो इस प्रोसेस के अंदर जो है, वो नजर आएगी यानी किटिन जिसको नाम दिया था भाई पीयूष ग्रंथि से बन रहा था कल बात करी थी तो हमारे हॉर्मोन जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो एक प्रोलेक्टिन है दूसरा ऑक्सीटोसिन यहाँ पर मदद करेगा ये दोनों ही पीयूष ग्रंथि से बनते हुए इस पूरे इलेक्टेशन के के प्रोसेस के अंदर क्या करेंगे मदद करते हैं तो ये हमारे कुल सात स्टेजेस थे जिसमें हमने इस पूरे कंप्लीट uh, रिप्रोडक्शन को देखा का बनना सीमन का ट्रांसफर होना फर्टिलाइजेशन होना फर्टिलाइजेशन के बाद हम देखते हैं कि भैया राइगोड बन रहा है तो इस पूरे प्रोसेस में वो जाकर के यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है इम्प्लांट होने के बाद आता है कंप्लीट नौ महीने का गर्भकाल गेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी एंड देन एट द एंड ऑफ द नाइन मंथ्स नौ महीने के अंत में डिलीवरी या पार्चुरेशन की प्रक्रिया और पार्चुरेशन के बाद तो कर रहे हैं कंप्लीट यहां पर कर रहे हैं क्या ये बात क्लियर है जल्दी से बताओ एक बार क्या एक बात यहां तक सभी को क्लियर है तो कुछ इस प्रकार से ये सारे के सारे यहां पर मदद करते हैं अब बात आती है लिंग जांच की एक प्रक्रिया देखी जाती है जिसे कहते हैं एमनियोसेंटेसिस एमनियोसेंटेसिस एमनियोटिक फ्लूड से ये आप देख रहे हो बच्चे की ये जो पूरा एक थैली सी बनी हुई है यहां से इंजेक्शन के थ्रू क्या किया जाता है इस लिक्विड को लिया जाता है और ये चेक करते हैं ऊपर अल्ट्रासाउंड की एक मशीन लगा देते हैं स्कैन की कुछ इस तरीके से ये स्कैन की मशीन लगाकर ये चेक करते हैं कि बच्चे का लिंग क्या है वो लड़का है या वो लड़की है समझ पा रहे हैं बात को ये प्रक्रिया बहुत पहले से चलती आ रही है लेकिन कुछ समय पहले इसको क्या कर दिया था बैन कर दिया था क्यों कर दिया था क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे एमनियोसेंटेसिस एक तकनीक बनाई गई थी इसलिए ताकि बच्चा जब जन्म लेने वाला है कोई उसके अंदर जेनेटिक अबडॉर्मलिटी तो नहीं है कोई अनुवांशिक विकार तो नहीं है जिससे बच्चा आगे जाकर के परेशान हो जाए जिससे उसको आगे जाकर के कोई भी प्रॉब्लम हो कोई बॉडी में डिसऑर्डर बनता चला जाए सिर्फ इसकी जांच करने के लिए लेकिन लोगों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया लोगों ने इससे यह पता करना शुरू किया कि लड़का जन्म लेने वाला है या लड़की और जहां उन्हें पता चलता था कि एक बेटी पैदा होने वाली है एक लड़की पैदा होने वाली है वो वही उसकी हत्या करवा देते थे जिसको हम एक प्रोसेस कहते हैं अबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन दोनों प्रोसेस को इस एमनियोसेंटेसिस की जांच को क्या कर दिया इसीलिए बैन कर दिया था कि भैया कन्या भ्रूण हत्या के, के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं भ्रूण में मतलब हम जब कहते हैं भ्रूण अवस्था में ही गर्भ में इस बच्चे का क्या करा दिया जाता था अबॉर्शन करा दिया जाता था तो इसीलिए इसीलिए इस प्रोसेस को बैन कर दिया गया याद रखना ये क्यों इस्तेमाल किया जाता था क्यों बनाया था सिर्फ अनुवांशिक विकार ढूंढने के लिए लेकिन गलत इस्तेमाल होगा तो निश्चित तौर पर ही ये प्रक्रिया जो है वो सरकार के द्वारा बैन कर दी गई थी तो याद रखेंगे कि भैया ये प्रक्रिया कही जाती है आपकी लिंक जांच वाली एमन्यू सेंटेस जस्ट टू चेक आउट कि बच्चे का यहां पर क्या सेक्स डेवलप हो रहा है वो लड़का है या फिर वो लड़की है क्या ये बात सभी को क्लियर है हाँ भाई यार देखो सेशन समझ में आ रहा है तो सबसे पहला काम कर देना, सेशन को लाइक कर देना, एक दोस्त यार भाइयों बहनों तक ताकि जिनके भी एग्जाम के लिए रेलिवेंट है और देखो लगभग हर एग्जाम में आपकी साइंस का वेटेज है तो ये दुख दर्द लिया करो कण साइंस आएगी नहीं आएगी बायोलॉजी आएगी या नहीं आएगी बेटा हर चीज इंपॉर्टेंट है तभी शायद ये क्लास आपकी चल रही है और ये क्लास नहीं कराते आपको आपको वही कराते जो पेपर में आता है तो खुद से ना ये मास्टर बनना रहने दिया करो तैयारी कर लो बढ़िया से सिलेक्शन ले लो और इधर-उधर की बातों से ध्यान हटा दो चलिए तो ये एक प्रक्रिया कही जाती है आपकी एमनियोसेंटेसिस अब कुछ केसेस कैसे होते हैं जहां पर प्रेगनेंसी नॉर्मली कहां डेवलप करनी चाहिए इस गर्भाशय के अंदर यहां कहीं जाकर के कभी-कभी क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी है वो किसी और हिस्से में पनपनी शुरू हो जाती है और फिर होते हैं कॉम्प्लिकेशंस जिस वजह से मजबूरन एबोर्शन कराना पड़ता है यानी कि वहीं पर उस प्रेगनेंसी को रोकना पड़ता है क्योंकि वो आगे सस्टेन नहीं करेगी बच्चे की वहीं मृत्यु हो जाएगी इन रोगों को कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसे मान लीजिए इस हिस्से के अलावा कहीं और अगर आपको डेवलप होता हुआ दिख रहा है मैंने कहा भाई यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ था बच्चा यही ग्रो करना शुरू कर दिया ये सरवाइव नहीं करेगा ये केस क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाएगा यहां पर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी इसी प्रकार से किसी भी ये यह, यहां पर ग्रोथ हो रही है पर पर ग्रोथ हो रही है ओवरी के पास में में कहीं कहीं मतलब पूरे ट्यूब में, अगर कहीं पर भी आपको ये की डेवलपमेंट दिखाई दे रही है ऐसे रोग को हम कहते हैं टॉपिक प्रेगनेंसी ये सब एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं तो ये मत सोचना मैडम कौन से लेवल का पढ़ लिया हमने ठीक है ये सब एनसीईआरटी के अंदर स्ट्रेट लिखा हुआ है शब्दों में कभी उठाकर पढ़ोगे तो समझ आएगा जो है बायोलॉजी बैकग्राउंड से वो बहुत अच्छे से जानते हैं ठीक है भाई तो ये सब चीजें होती हैं जिन्हें हम कॉम्प्लीकेशन वाला हिस्सा कहते हैं आपके एक टॉपिक प्रेगनेंसी वाली हिस्से यहाँ पर ये कहे जाते हैं और इसी के साथ कुछ हॉर्मोन्स हमारे काम करते हैं अच्छा देखो जब बात आती है ना कि लड़का पैदा होने वाला है या लड़की लिंग जांच सेक्स डिटर्मिनेशन हमेशा याद रखना अ फादर इज रिस्पॉन्सिबल एक पुरुष जो है वो जन्म लड़की के लिए जिम्मेदार होता है क्योंकि ये फीमेल के आपके क्रोमोजोम होते हैं और ये होते हैं मेल के जब इनकी क्रॉसिंग कराई जाती है एक्स एक्स और एक्स वाई की तो भैया ये एक्स कुछ इस प्रकार से इन चारों का ये जो एक्स वाई वाली प्रोबेबिलिटी आती है ना वाई क्रोमोजोम हमेशा मेलनेस को दर्शाता है ने कहा कि मैम ये वाई क्रोमोजोम है तभी ये क्या होगा मेल होगा तो बेसिकली अगर पुरुष का वाई क्रोमोजोम महिला के एक्स क्रोमोजोम से मीटिंग कर रहा है तभी जाकर के कहीं एक लड़की जो है वो पैदा होती है लड़का पैदा होता है तो डिपेंड करता है कि पुरुष का एक्स मीटिंग कर रहे हैं या वाई अगर यहाँ से एक्स आता है तो लड़की है वाई आता है तो लड़का है तो जो महिलाओं को जिम्मेदार मानते हैं कि एक महिला जिम्मेदार है एक लड़की के जन्म के लिए नहीं वो एक पुरुष जिम्मेदार होता है एक फादर रिस्पॉन्सिबल होता है क्यों होता है क्योंकि आप हॉर्मोन्स को आप क्रोमोजोम्स को देख सकते हैं कि मैडम अगर मैं इसका पुनर्ट स्क्वायर बनाती हूँ तो नॉर्मल मीटिंग में एक्स 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 इन दोनों का रेशियो क्या हो गया कि ये फीमेल डेवलप होगी और ये हो गई वाई तो ये किस वजह से क्योंकि पुरुष के अंदर दो चीजें अलग अलग है एक्स है या वाई क्लियर है तो फिर भी दोष महिलाओं को दिया जाता है ये चीजें गलत है आज के टाइम पर आप सभी जागरूक हैं आप सभी समझदार हैं तो ये कर्तव्य है आपका कि चीजों को समझाएं और समझें कि आखिरकार साइंटिफिकली चीजें कहां पर दिक्कत कर रही है क्या ये बात सबको क्लियर हुई तो इसे कहते हैं हमारे जोड़ी गुणसूत्र होते हैं ठीक है हैं. टोटल ट्वेंटी थ्री पेयर कहे जाते हैं संख्या में बात करूं तो छियालीस होंगे तेईस जोड़ी में से बाईस जोड़ी होते हैं जो हमारे शरीर को अलग अलग हिस्सों को कोड कर रहे होंगे ऑटोजोम और एक पेर आपका ये सेक्स क्रोमोजोम वाला कहा जाएगा ठीक है इसी को हम एक और नाम भी देते हैं सेक्स क्रोमोजोम को कभी तो पूछ ले तो इसको एलोजोम भी कहा जाता है ये ऑटोजोम होते हैं ये एलोजोम कहे जाते हैं इसी में एक जोड़ी मतलब ये देख सकते हो आप एक्स एक्स या एक्स वाई ये एक पेयर जो है या तो एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा तो ये बाईस ऑटोजोम हम इसको ट्वेंटी टू ए लिख सकते हैं प्लस एक्स एक्स या एक्स वाई कुल मिलाकर कितना हो गया आपका 23 जोड़ी कि क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। हैं। कुछ केसेस में एक और होते देखो हो जाए तो भी प्रॉब्लम होती है।, 46 is, normally मुझे दिख है कि भाई मेल है या फीमेल है मैंने कहा नहीं ये या फिर या आपके फोर्टी सेवन हो गए उन महिलाओं के अंदर नजर आता है जहां टर्नर सिंड्रोम के नाम से महिलाओं में पुरुषों वाले कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं मतलब अगर एक गुणसूत्र कम हो रहा है बोलोगे मैम कम कैसे हो रहा है भाई देखो समझो बात को फोर्टी फाइव का मतलब क्या है फोर्टी फोर ऑटोजोम है बाईस जोड़ी ऑटोजोम है जल्दी से बताओ एक बार ठीक मैम फोर्टी फोर ऑटोजोम प्लस एक्स X होना चाहिए या एक्स वाई होना चाहिए लेकिन क्योंकि ये डिसऑर्डर महिलाओं में आ रहा है तो महिलाओं का एक X क्रोमोजोम गायब हो जाता है और यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं ओ ये बन जाता है टर्नर सिंड्रोम ये उन महिलाओं की बात कर रहे हैं जिनके अंदर महिलाओं वाले नहीं पुरुषों वाले कैरेक्टर्स लक्षण दिखाई देते हैं बात क्लियर हुई सबको कि नहीं क्लियर तो इसे कहा जाता है 44 ऑटोसोम नॉर्मल है शरीर के बट सेक्स क्रोमोजोम में ना तो लड़का है ना लड़की है वहां पर आपको महिलाओं में लड़कों वाले कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं इसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं महिलाओं में खास तौर पर ये नजर आता है यही चीज अगर मैं बात करूं पुरुषों के अंदर तो भाई 47 वाला केस आता है पुरुष में पुरुष में कैसे आता है यहां चौवालिस ऑटोजोम है प्लस एक एक्स क्रोमोजोम देखो पुरुषों के अंदर एक्स वाई होता है ना

ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। मैं कहूं कुछ महिलाओं वाले लक्षण भी आपको देखने को को नजर आ रहे हैं क्या ये बात सभी क्लियर है जल्दी से बताओ भाई यहाँ और जितने भी मेरे साथ यहाँ भाई बंधु साथ ही बैठे हैं क्लास के अंदर सभी एक बार ना सेशन को लाइक कर देंगे मतलब मुझे लग नहीं रहा कि आज तुम्हारी संख्या जो है वो बराबरी की दिख रही है क्यों भाई ये देखो इनके 20 साल में बाल जड़ रहे हैं इन्हें इस चीज की चिंता है अरे भैया 20 साल में बाल जड़ रहे हैं वो तो ठीक है लेकिन जो तो टॉपिक चल रहे हैं पहले उसको कवर कर लेते हैं आजकल डाइट जो है वो आप सबकी ठीक नहीं चल रही है और इसी कारण से आपको नजर आ रहा है कि आपके बाल झड़ते हुए बाल अभी से सफेद होते हुए जवानी में बुढ़ापे के लक्षण नजर आ रहे हैं तो याद रखना ये पुरुषों के अंदर महिलाओं वाले कैरेक्टर्स हैं कुछ इसी प्रकार से आप लोग का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो यहां पर बनता है ठीक है कोई डाउट यहां तक किसी के मन में कोई प्रॉब्लम तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं कल इसके कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे और देखेंगे क्या कुछ आप लोगों के लिए खास और आगे अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ रहने वाला है अब जो टेंशन ले रहे थे ना मैम सवाल कैसे होंगे क्या होंगे कल इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन करवाऊंगी और फिर बताना कि प्रीवियस ईयर में आए हैं नहीं आए हैं या आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ठीक है तो ये सारे आपके कुछ डिसऑर्डर्स भी रहेंगे वो सब हम कल कवर करेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या क्या होता है और अन्य आपके क्राइडो चार्ट सिंड्रोम वगैरह सब चीजें दिखाई देती हैं तो आशा यही करूंगी सब कुछ चीजें यहाँ पर क्लियर हुई हो समझ में आई हो पीडीएफ रैंकर्स टेलीग्राम चैनल पर आपको अपलोड हो जाएगा अच्छा एक काम की बात और यहाँ पर सुन लो जल्दी से ठीक है जो की है कुछ इस प्रकार से पहली चीज आप लोग की मैथ्स की जी डी वॉरियर ठीक है ये एस एस सी जी डी वॉरियर वाली जो बुक है आप लोग की आप लोग एमेजोन और फ्लिपकार्ट से इसको ले सकते हैं ये बुक आप लोग की अवेलेबल है फिलहाल के लिए बाकी अः जी की जो भी तैयारी कर रहे हैं तो पूरी तरह से आपके मैथ्स का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को मिलने वाला है Amazon फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है अगर रीजनिंग की बात करें तो भैया आपके रीजनिंग जी डी वॉरियर ये भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है जिसमें आपके लेटेस्ट पीवाई क्यू है ट्रिक्स कॉन्सेप्ट के साथ दस मॉक टेस्ट भी यहाँ पर आप लोग के मिलने वाले तो मेक श्योर की आप अपनी तैयारी पूरी तरह से करें और अच्छी तरह से करें रीजनिंग और मैथ्स दोनों की ये बुक आप लोगों की अवेलेबल करा दी गई है और अगर आप तैयारी कर रहे हो और अभी भी आपके मन में डाउट है कि मैडम कहाँ से कैसे आपका कौन सा बैच चल रहा है तो मैं एक बार वापस से बता दूं भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल का एप्लीकेशन पर लाइव है हिंदी का स्पेशल बैच स्वाति में हम लेकर आ चुके हैं एस एस कांस्टेबल की भर्ती वालों आप लोगों के लिए भी पेड बैच चल रहा है और साथ में बिहार एस एस इंटर लेवल वाला तो ये सारे बैचेस जो है वो आप लोगों के लाइव हैं साइंस का स्पेशल बैच भी चल रहा है तो आप सभी जुड़ करके डेली सुबह सात बजे क्लास होती है वहाँ पे आप सभी जुड़ करके ठीक है क्या करेंगे अपनी तैयारी को यहां पर शुरू कर सकते हैं ऑल राइट चलो तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह सेम टाइम सेम जगह क्लास कैसी लगी है मुझे ऑफलाइन कमेंट करके जरूर से बता देना अ वेरी गुड डे थैंक यू सो मच